मोहन भागवत जी ने जनसंख्या नियंत्रण कानून पे कानून बनाने की बात कही है। बेहतर है, हम ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान का संविधान ऐसा होना चाहिए कि सबके लिए होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। कानून बनाने की बात हो रही है, कानून बनाया जाए हम दो हमारे दो, बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि आबादी बढ़ती है घटती है ये सब अल्लाह और भगवान की देन है। इंसान को जो है पैदा करना, मौत जिंदगी उसके हाथ में है, कानून इंसानों के हाथ में है, इंसान कानून बनाता है। हम ये चाहते हैं कि कानून बने और लोग उसका पालन भी करें। ये तो खुद लोगों को चाहिए कि जनसंख्या नियंत्रण पे अपना जो है कंट्रोल रखें। सरकार ने तमाम सुविधाएं बनाई हैं, लोग उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि बेहतर होगा कि कुछ छोटा परिवार सुखी परिवार। अक्सर आप लोग देखते भी होंगे कि मीडिया के भी माध्यम से और पोस्टरों के माध्यम से बोर्ड लगे रहते हैं हम दो हमारे दो। हम भी यही चाहते हैं, चाहे वो हिंदू चाहे मुसलमान, लोग खुद इस पे जो है निगाह रखें और ध्यान दें। कानून तो बनेगा, कानून बना हुआ है, लोग इसका पालन करें, बड़ी बेहतर है। कि माननीय मोहन भागवत जी ने इस पहल को शुरू किया है, हम उनका इस्तकबाल करते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। हम तो यही चाहते हैं कि देश में जो भी कानून बने उस पर लोग अमल करें और देश हित में हो, उसमें जात न देखी जाए। क्योंकि जब लोग जात बात की बात करते हैं और मंदिर मस्जिद की बात करते हैं तो उसमें विवाद पैदा होता है। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा देश हिंदू और मुस्लिम जो है, मुस्लिम का है, सिख और ईसाइयों का है, सब लोग मिलजुल कर इस देश का नारा जो है दिया गया है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, एक सिख का एक कानून होना चाहिए, सबके लिए बराबर होना चाहिए। और इस जो है जनसंख्या नियंत्रण पे माननीय मोहन भागवत जी को का हम जो है उनकी बातों का हम स्वागत करते हैं और लोग खुद एहतराम करें कि कानून बना हुआ है, कानून बनेगा, उससे पहले लोग पालन करें।